इस दुनिया के किसी भी देश में हो, उस देश में उस जगह पर सोमवार को मैं महादेव जी को प्रार्थना करूंगा, देवताओं को प्रार्थना करूंगा, उस जगह पहुंचे इस दुनिया के कोई भी कोने में जहां इस कार्यक्रम के नाम से दिए जल रहे हैं, उस जगह पहुंचे। क्या बीमारी ही मिटेगी? मेरी गारंटी है, उस दिन दिल से एकाग्र भाव विश्वास और भक्ति से दिए जलाएंगे, उनके 3 महीने के अंदर उदारियां मिट जाएगी। और खेती करने वाले किसान कोई बैठे हैं तो उस दिन जो जो खेती बाड़ी करने वाले घर में दीपक जला के मेरे मंत्रों को सुनेंगे, उस साल उनका फसल लहलहा के आएगा, ऐसा के देखते रहेंगे। मेरी गारंटी है गायें दूध ज्यादा देगी। आप ये मत सोचना कि ये क्या बात है, कैसे हो सकता है। अगर उस घर में बैठे हुए व्यक्ति का अपने आप बीमारी उसी समय 3 मिनट में मिट सकता है, तो क्या 3 मिनट में ऐसा आशीर्वाद नहीं मिल सकता जो 3 साल तक खेत हरा भर रहे? दूध दूने लगे गाय, महाराज बोले कि आज तक मेरी गाय 5 लीटर दूध देती थी, अचानक क्या हुआ महाराज 7 लीटर दूध देने लगी, 2 लीटर दूध ज्यादा आ रहा है। जो बहने पियर में अपनी माँ को फोन करके जरूर बता देना कि गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना के भोलेनाथ को प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया देखे के सनातन धर्म में मंत्रों की शक्ति कितनी है। और क्या क्या होगा वो दीपकों में, कुछ दीपक, सभी दीपक तो नहीं, कुछ दीपक अपने आप जलेंगे। आपकी इच्छा हो तो भोलेनाथ के नाम का आप एक थाल बना के भोजन भी रख सकते हो, एक गिलास पानी भी वहां रख सकते हो। कुछ घरों में भोजन और पानी भगवान ग्रहण करेंगे, वो घरों में भोजन और पानी अपने आप गायब हो जाएगा। वो देखेंगे कि वाह ये कैसे हो गया, इधर पड़ा था मेरे आंख के सामने गायब। गायब नहीं, प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, गायब कैसे होगा? सत्य वचन मेरे सदगुरु भगवान। और सभी लोग आंख के सामने फोन आते देखोगे, फोन में बोलेंगे कि मैं बिहार के बेगूसराय से बात कर रही हूँ, मेरा रखा हुआ थाली में से रोटी गायब हो गया, मेरे पानी गायब हो गया है। यूट्यूब में देखने वाले जितने लोग हो, अपने विदेश में जितने दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, जिनको कमर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन हो, ध्यान रखना, ये एकाग्रता से बिल्कुल चित्त लगा के बैठोगे तो जन्म भर के लिए बीमारी मिट जाएगी। अगर थोड़ा भटकोगे तो साल भर में बीमारी वापस भी आ सकती है। अगर पूरे ही भटकते रहोगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगे। आपकी एकाग्रता जितनी रहेगी, मेरी प्रार्थना उतनी ज्यादा काम करने वाली है, ये सावधानी से देखना है। और क्या होगा? जरूर वो भी होगा, जिस जिस घर में शंकर और पार्वती माँ प्रवेश करेंगे, वो सब घर में अचानक भव्य महक आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, ऐसा दिव्य खुशबू जो कैलाश पर्वत में ही देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? कैलाश पर्वत पर सतगुरु भगवान। इसके लिए हमको क्या करना महाराज? तू पैसा वाला है, तू गरीब है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू ब्राह्मण है, तू बूढ़ा है, तू जवान है, तू स्त्री है, तू कन्या है, कोई भी रहो, इतना ही नहीं, जो श्रद्धा से शंकर जी को मान के मेरी बीमारी मिटा दो ऐसे प्रार्थना करें, वो सनातन धर्मी ना भी हो, उनके घर में भी शंकर जी की कृपा हो जाएगी। जय गुरुदेव। उसके लिए जरूरत नहीं कि सनातन धर्मी हो, विश्वास हो ये जरूरी है। अगर विश्वास है तो उस दिन बीमारी मिटेगी ही मिटेगी, उदारी मिटेगी मिटेगी, डायबिटीज मिटेगी मिटेगी, बीपी मिटेगी मिटेगी, पेट दर्द मिटेगा मिटेगा, सिर दर्द मिटेगा मिटेगा, घुटना दर्द मिटेगा मिटेगा,
दीपक अपने आप जलेगा जलेगा, कुमकुम बरसात होगी होगी। कभी सुना है ऐसी बात जीवन में? नहीं गुरुदेव। कभी देखा है? नहीं गुरुदेव। किस किस ने पहले भी अपने घर में अपने आप सुगंध आते देखा है? अरे यहाँ के लिए नहीं, अपने आप खुद आया? नहीं गुरुदेव। तो फिर शंकर जी सावन में आ रहे हैं, दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। कौन देखेंगे? दुनिया देखेगी। आप सनातन धर्म के नहीं हो, विदेशी हो, धर्म के बारे में नहीं जानते हो, धर्म क्या है नहीं जानते हो। नो नीड ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ओनली यू नीड अ फेथ दैट यू कैन गेट क्यूर्ड बाय द गॉड शिवा, देन यू विल बी क्यूर्ड बाय गॉड महादेवा। तेरे में विश्वास आ गया, तू अमेरिका का जॉन हो के पोप हो के पाप हो के पीप हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाएंगे। जय गुरुदेव। मिट्टी का दिया हो, कौन सा दिया हो? मिट्टी का। उसमें मोली की बत्ती लगी हो, चार घंटा जल सके इतना घी हो। कितना घी? हाँ, उसमें आप माचिस लाके खुद जला के यहाँ रख के यहाँ बैठ जाओगे, यहाँ खुद महादेव की प्राण प्रतिष्ठित विधान और रुद्राभिषेक और यज्ञ चलने से यहाँ जो सामने आके बैठेगा, उसकी उदारी, उसकी संकट, उसके शत्रु भय, उसके दुख, वो सब अति शीघ्र मिट जाएंगे। क्योंकि इस दरबार में रोज यज्ञ पूजा होने से ये दरबार अनंत गुना शक्तिमय हो गया है। घर में बैठोगे तो भी काम होगा ही होगा, घर में बैठोगे तो भी फायदा होगा, लेकिन यहाँ जो फायदा होगा वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा, ऐसा फायदा यहाँ होगा। सत्य वचन मेरे सद्गुरु भगवान। इसलिए जो जो राखी 30 तारीख को यहाँ आने का प्लान बना रहे हो कि 30 तारीख राखी के लिए यहाँ पहुँचना है देश विदेशों से, वो 28 को सुबह ही पहुँच जाओगे तो 28 को भगवान महादेव की कृपा प्राप्त करके जीवन के सभी संकटों से, कई लोग बोल रहे हैं उदारी से इतना परेशान हो गया हूँ प्रभु, बहुत दुखी हूँ, कई लोग बोल रहे हैं कि मेरा काम ही नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, काम नहीं चलने वालों के काम चलने, फंसे हुओं की पीड़ा मिटाने के लिए महादेव जी से उस दिन प्रार्थना की जाएगी। प्रार्थना में शक्ति है, लाखों घरों में उस दिन चमत्कार दिखेगा। यूट्यूब में देखने वाले और पंडाल में बैठे हुए हर एक व्यक्ति कम से कम 100-100 फोन लगाओ के उसमें जुड़ के पूरा फायदा उठा लें इसका। कितने लोगों की बहनें हैं, बहन अपनी बहन को फोन करो। कितने लोगों के भाई हैं, कितने लोगों के साले हैं, कितने लोगों के साडू हैं, कितने लोगों की ननंद है, कितने लोगों की भुआ है, ये सब हैं। इनको रख के क्या अचार डालोगे? इन सबको रख के क्या चटनी बनाओगे? इनके पापों का चटनी बनाने का टाइम आ गया है, इनके दुखों का चटनी बनाने का टाइम आ गया है। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। सबको याद से बोलना कि घर में एक मिट्टी का दीपक जला के बैठना है, धूप नहीं करना, क्योंकि धूप करेंगे फिर जब देवता प्रवेश करेंगे उनको समझ नहीं पड़ेगा कि ये सुगंध धूप का है कि देवों का है, इसलिए धूप नहीं जलाना, बिल्कुल वहाँ कोई सुगंध नहीं रहना। उनको भी बोलना खुद भी कोई परफ्यूम वेरफ्यूम नहीं लगाएं, खुद भी कोई अत्तर ना लगाएं, बिल्कुल उस जगह को सुगंध रहित रखें। जब महादेव का घर में प्रवेश हो जाएगा ऐसा सुगंध निकलेगा कि सिर फट जाए, ऐसा आनंद आ जाएगा। जय गुरुदेव। फिर बोलो कितना आनंद आएगा। इसके लिए कोई 10 लाख रुपया, मैं बोलता हूं कि कोई 10 लाख भी दे दें, घर बैठे बैठे अपने आप कोई बीमार आदमी ठीक हो सकता है, बगैर डॉक्टर के देखें, बगैर दवाई दिए,
बगैर गोली इंजेक्शन लिए कोई ठीक होता है? लाखों लोग निशुल्क ठीक होंगे, निशुल्क पीड़ा मिटेगी, निशुल्क उदारी मिटेगी, निशुल्क रोग मिटेगी, निशुल्क संकट मिटेगा, निशुल्क भय मिटेगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको उसमें बैठाओ, बच्चों में ऐसा शक्तिपात होगा, अगले दिन से ही व्यवस्थित पढ़ने लगेंगे बच्चे। जय गुरुदेव। व्यसनी गलत लोगों को भी बैठाओ, उनका व्यसन छूट जाएगा। एक ही बात है, आपको एकाग्र होके बैठना पड़ेगा। अगर मन भटका तो ये शक्ति को ग्रहण करना संभव नहीं होगा। अगर मन मजबूत करके बैठ गए उसी दिन से आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जय जय गुरुदेव। दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार। मैं अब ये बात इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालने के लिए बोल रहा हूँ, आगे छोटी सी दो लाइन में बोल रहा हूँ, ध्यान रखें। आने वाले 28 तारीख अगस्त सोमवार के अंतिम सावन सोमवार में शंकर की दिव्य कृपा पाने दरबार में दुनिया देखेगी महादेव के चमत्कार नाम का कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से ताट योगा चैनल में आयोजित है। जितने रिश्ते नाते देश विदेश में लोग हैं सबको ये भेजें वीडियो। कोई भी बीमारी हो, घुटना दर्द, पेट दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द, कोई प्रकार का दर्द, बीपी, डायबिटीज हो, डिप्रेशन में आए हुए, मनोव्याधि से, दिल दिमाग से दुखी लोग हो, या कोई भी अन्य तकलीफ हो, उदारी, संकट, परेशानियां, सबसे 100% मुक्त होके सनातन धर्म की मंत्रों की शक्ति को पूरे ब्रह्मांड के लोग उस दिन अनुभव करेंगे। दोपहर 3 बजे 28 तारीख सावन के सोमवार अगस्त के दिन दोपहर 3 बजे थॉट योगा चैनल में इस कार्यक्रम को देखने वाले उसी क्षण 3 मिनट के अंदर किसी भी रोग बाधा से मुक्त होंगे। एक मिट्टी के दीपक में घी जलाकर बैठें अपने स्थान में, कोई भी प्रकार का धूप उपयोग न करें, अगरबत्ती उपयोग न करें, सेंट परफ्यूम शरीर में लगाकर नहीं बैठें। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, जब दैविक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, आप अमेरिका, लंदन, दुनिया के कोई भी देश में हो, अपने आप दैविक शक्ति के प्रवेश के साथ साथ दिव्य महक और सुगंध उस घर में प्रवेश करेगा। उसी समय शरीर का रोग 3 मिनट के अंदर स्वयं ठीक हो जाएगा और विभिन्न परेशानियों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सनातन धर्म की दिव्य शक्ति का संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जयकार होगा। जय जय गुरुदेव। सब्सक्राइब करें वसंत विजय महाराज के यूट्यूब चैनल थॉट योगा को, और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।